बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2017 के उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार। 30,000 कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के उन्नाव रेप कांड में विधायक को दोषी ठहरा दिया है 30,000 कोर्ट ने। सजा का ऐलान बाद में होगा, लेकिन तय हो गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी और दोषी, आरोपी जो बने थे अब दोषी उन्हें करार दे दिया गया है। आपको याद होगा माइनर गर्ल जिसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई, उनके सहयोगियों ने, यह आरोप था उस दौरान कि उनके साथ, उस माइनर के साथ रेप किया गया। नौकरी देने के बहाने घर पर बुलाया गया था और उसके बाद बहुत कुछ बवाल चलता रहा। एफआईआर करने में कई महीने गुजर गए लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद खुद को आग के हवाले करने की बात जब सामने आई तब जाकर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ी, एसआईटी गठित की गई और फिर सीबीआई को यह केस सौंपा गया। 2017 का यह मामला, और इसमें आपको याद होगा कि बहुत से मोड़ भी आए इस पूरे मामले में। जो लोकल पुलिस है कुलदीप सिंह सेंगर को कई बार बचाती नजर आई, यहां तक कि जो पीड़िता थी, जो पीड़ित बालिका है, उसके पिता को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, वहां पर उसकी पिटाई हुई। आरोप यह भी थे कि कुलदीप सिंह सेंगर का भाई पुलिस कस्टडी में पहुंचा था और उसी ने ही पीड़िता के पिता से मारपीट की थी, जिसके बाद पिता की मौत हो गई थी। और हाल ही में जब वकील के साथ पीड़िता अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में बैठकर सुनवाई के लिए अपने घर से रवाना हुई थी, तो एक अननोन नंबर वाले ट्रक ने, या यूं कहें कि बिना नंबर वाले ट्रक ने उस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। तो ये बातें किसी से छिपी नहीं थी। और 30,000 कोर्ट ने अब कुलदीप सिंह सेंगर, जो बीजेपी के विधायक हैं, हालांकि पहले उनका ताल्लुक बसपा से भी रहा, सपा से भी रहा, दोषी करार दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कुलदीप सिंह सेंगर और नाउ केस, जो कि एक चर्चित कांड रहा था, सरकार के विधायक थे और सरकार ने भी इस पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। आखिर तक सरकार, जब तक कि मामला मीडिया के जरिए फैला नहीं तब तक कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और उसके बाद एसआईटी गठित की गई, लेकिन दबाव ज्यादा बढ़ा था तो फिर सीबीआई को यह मामला सौंपा गया था और वहां से उन्नाव से हटाकर यह पूरा मामला दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। 30,000 कोर्ट ने अब कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुना दी है, दोषी करार दे दिया है। सजा भी नहीं सुनाई है लेकिन दोषी करार दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यकीनन पीड़ित परिवार को बहुत बड़ी राहत। और उस दौरान अपने आप को विधायक साहब लगातार ये कहते रहे कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। उनकी धर्मपत्नी भी सामने आई थी कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन कोर्ट ने सभी साजिशों को दरकिनार करते हुए ये कहा है कि इस मामले में पूरी तरह से दोषी करार हैं कुलदीप सिंह सेंगर, विधायक भारतीय जनता पार्टी, जिनको बचाने की अच्छी खासी मशक्कतें चलती रहीं। एफआईआर तक पुलिस ने लॉन्च नहीं की थी, कई महीनों के बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई थी। यहां तक कि एसआईटी गठन करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई ने जब मामला हाथ में लिया तो उन्हें बुलाया जरूर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद हाईकोर्ट का जब फरमान आया तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हुई। तो बड़ी राहत परिवार को, और लगातार ये पूरा मामला जो देश को, देश की आंखों में खटक रहा था कि एक विधायक अपने दबदबे का, अपने रसूख का किस तरीके से इस्तेमाल कर गया, वह आज न्याय की चौखट पर जाकर ढेर हो गया। 30,000 अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको यह भी बता दें कि निर्भया कांड में भी अब जल्द कोई फैसला हो सकता है और आज वही तारीख है, 16 तारीख है आज, 2012 में 16 तारीख को निर्भया कांड हुआ था। यकीनन आज एक अच्छा मैसेज जाएगा। उसी रोज 16 तारीख निर्भया कांड जब हुआ, हालांकि निर्भया के दोषियों को अब तक फांसी की सजा नहीं मिली है, सजा मिल गई लेकिन फांसी हुई नहीं है।
लेकिन ये बड़ा मामला यकीनन आज की तारीख में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन पर इल्जाम था रेप करने का, अपने घर में बुलाकर नौकरी के बहाने। ना सिर्फ उन पर, उनके भाई, उनके सहयोगियों पर भी आरोप था। और इतनी पीड़ित हो चुकी थी वो लड़की कि उसे खुद को आग के हवाले करना पड़ा। जब आग के हवाले वो करने पहुंची तब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया।